हाँ बच्चों, तो हमारा आज का विषय है गणित। गणित विषय के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक है? और ये बताने के लिए हमारे बीच में हैं श्री प्रवीण कांडपाल जी, जो आप लोगों को बताएंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो आइए हम कांडपाल जी से जानते हैं। हाँ, तो कांडपाल जी, आप बच्चों को जरा बताइए कैसे भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित किया जाए। हाँ बिल्कुल सही, हम बच्चों से पहले आपको बताएंगे कि प्रतिशत कैसे, किसे कहते हैं या इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे पास ये सामने इसमें 100 पत्तियाँ हैं। कितनी पत्तियाँ हैं? 100। 100, ठीक है ना। इनमें से मैंने 25 पत्तियाँ जो हैं वो हमने यहाँ से तोड़ दी है, ठीक है। कितनी तोड़ी बेटा? 25। हाँ 25। तो हम अब इसमें कहेंगे कि हमने 100 में से 25 पत्तियों को तोड़ दिया है। तोड़ दिया ना? जी जी। तो इसका तात्पर्य हो गया कि हमने 25 प्रतिशत पत्तियां इसमें से तोड़ दी है, ठीक है ना। कितने प्रतिशत बेटा? 25 प्रतिशत। ठीक, तो हमने इसमें से 25 प्रतिशत जो पत्तियां हैं वो तोड़ दी है। अच्छा, ये बताइए प्रतिशत कैसे जानेंगे कि ये प्रतिशत तोड़ी गई? हाँ, अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे हमने इसमें कहा कि जैसे हमारे पास 100 पत्तियां कुल थी, जी, तो उसमें से हमने 25 हटा दी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 100 का 25 भाग जो है वो हमने क्या कर दिया, अलग हटा दिया। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो वो 25% पत्तियां आपने इसमें से कम कर दी। ठीक, तो अब प्रतिशत को व्यक्त कैसे करते हैं, हम लिखते कैसे? हम बोलते समय बोलते हैं कि हमने 25% पत्तियां जो है इसमें से अलग कर दी, ये बोल दिया हमने। लेकिन लिखते समय हम कैसे लिखेंगे? तो यहां पर प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक निशान लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रतिशत का निशान। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ। क्या बोलते हैं? प्रतिशत का निशान। अच्छा, अब आप बताओ हमने कितने प्रतिशत यहां पर पत्तियां अलग की थी अभी? 25 है ना। तो इसे कैसे लिखोगे आप? इसे लिखोगे 25 प्रतिशत। ये हमने यहां पर लिख दिया 25 प्रतिशत, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये निशान दिखाई दे रहा है, ये निशान है प्रतिशत का। जी, बात समझ में आई आपको? जी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्रतिशत जब आप बदलते हैं भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, हम आपको बताते हैं। हाँ, जो हमारा आज का विषय है ना बेटा, भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, अब वो बताएंगे। अच्छा, अब आप बताओगे हम भिन्न किसे कहते हैं? जानते हो आप भिन्न के बारे में? जानते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2/5, क्या लिखा मैंने? 2/5। तो ये जो लिखा गया है किसमें लिखा गया है? प्रतिशत भिन्न में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? भिन्न में लिखा गया है। अब इसको किसमें बदलना है हमको? प्रतिशत में। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो भिन्न है इसको 100 से गुणा किया और 100 से हमने क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया। हमने 100 से जो आपके पास भिन्न था उसको 100 से गुणा किया और 100 से भाग दे दिया। ठीक, अब इसके पश्चात आपने क्या किया, इसके पश्चात आपने किया 2/5 और गुणा हमने जो लिखा 100 और ये गुणा में लिख दिया हमने 1/100। इस नीचे के जो 100 को थोड़ा सा दूर में लिख दिया गुणा के निशान के साथ। ठीक है बेटा, बस सुन आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, 5 से काट देते हैं, तो कितना है आपके पास? 40 गुणा 1/100 ये आया। अब ये जो 1/100 हमको दिखाई दे रहा है इसको हम एक निशान से व्यक्त करेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको निशान बताया था। क्या निशान बताया था बेटा? प्रतिशत का निशान। प्रतिशत एक ऐसे लाइन खींच के दो बुंदे एक इधर है ना, ये बताया था ना। तो अब इधर हमने क्या लिख दिया, इसको इसको निशान को 1/100 को निशान से दिखा दिया 40%। क्या लिख दिया हमने? 40%। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए, अब यहाँ पर हम लोग प्रतिशत का इस्तेमाल अपनी कक्षा में करते रहते हैं। जैसे किसी बच्चे को 5 में से 2 अंक प्राप्त हुए, कितने अंक प्राप्त हुए? दो अंक प्राप्त हुए। तो आप अपने घर बजा के बोलते हो कि हमें 5 में से 2 अंक प्राप्त हुए इस विषय में, ठीक है। लेकिन आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए आपने, तो
हम उनको इस प्रकार से इस दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदल करके कितना उत्तर बताएंगे? 40%। हम अपने पिताजी से कहेंगे कि हमें 40% अंक हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना बेटा, बात समझ आई? तो ये जो भिन्न था इसको हमने किसमें परिवर्तित कर लिया? प्रतिशत में भिन्न व्यक्त कर लिया। ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब उदाहरण के रूप में हमने क्या लिखा? हमने लिखा मान लो तीन बटे पांच। पहले क्या लिखा था? गया है अब 3/5 हो गया। लिखा ये क्या लिखा हम लोगों ने? 3/5। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 में से कितने? 3। कुछ भी हो सकते हैं, चाहे हमारे द्वारा प्राप्त अंक भी हो सकते हैं। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि घर में हमारे पास 5 रोटियां बनी थी, 3 हमने खा ली। ठीक है ना। कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये लिखी गई संख्या क्या है? भिन्न में लिखी गई है। अब इसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताएंगे? आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? इसको इसको हम लोग करेंगे 100 से गुणा और 100 से भाग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 100 और यहाँ पर आप लिखेंगे 1/100। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। और ये हो जाएगा 60। तो कितने प्रतिशत? 60% अंक हमको प्राप्त। तो जाना बच्चा, ये था भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है बेटा, तुम लोग समझ में आ ही क्या होगा बच्चा, तुम लोग इतने होशियार हो। ठीक है। तो साथियों, ये था भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अगली मुलाकात में किसी और विषय पर बात होगी।